हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज ना मेरा जो मैंने देखा कि मेरे जो पटुल आकाश थे वो सब खिल के भी मुरझाने वाले हैं और मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो अभी मैंने देखा कि ये सब जाने वाले हैं तो मैंने समझा कि क्यों ना मैं इस पटुल आकाश के बारे में बात करूं जो जिसका सीजन अभी जाने ही वाला है। तो अभी तक कैसा खिल रहा है और कैसे कैसे कलर्स के है वही दिखाने वाली थी। तो अभी अभी बारिश हुई थी तो इसलिए अभी सब मुरझाने वाले हैं, सब ज़्यादा पानी हो गया इसके ऊपर। तो मैं इसी का जो लास्ट रिमेनिंग ऑफ द पटुला का फ्लावर्स वही दिखा रही हूँ। यानी मैंने ज़्यादा मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ज़्यादा मैंने इंडोर प्लांट्स का ही मैंने केयर किया तो अभी ये अपने आप ही खिल रहे थे, अपने आप ही मुरझा रहे थे। तो इसका डेड हेडिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है जो मैंने नहीं किया था। तो लीजिए दोस्तों, अभी मैं ये पटुला का है ना, तो जिसको मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था फिर भी ये खिल रहा था अपने आप। उसका डेड हेडिंग मैंने नहीं किया था, जैसे इस तरह से कहते हैं जो मुरझाया हो फूल और जो बारिश की पानी से सब सड़ जाते हैं ना, उसको निकालना चाहिए ना सब। तो निकाल लेंगे तो और ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो इस तरह से मुझे डेड हेडिंग पहले से ही करना था। मैंने पहले तो मैं करती थी लेकिन इस बार ना मैं दूसरे चीज़ों में व्यस्त हो गई तो ये मुझे टाइम भी नहीं मिला और मैं इस ओर ज़्यादा नहीं आई थी। तो मैं अंदर ही अंदर जो सब इंडोर प्लांट्स के ही मैं ख्याल रख रही थी ज़्यादा, तो इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी देखिए तो कितने अच्छे अच्छे कलर्स हैं ना, ये जो पिंक है, पीच कलर है, येलो है, वाइट है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स है इधर। और अच्छी तरह से मैं लगाती तो बहुत अच्छा होता अभी तक, लेकिन मैंने नहीं किया, मुझे खेद है। और अभी तक ये इतनी अच्छी तरह से फूल दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए येलो पोर्सलिन है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, जैसे बटरफ्लाइज जैसे। तो यहाँ पे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, इसको देखते ही मुझे वीडियो बनाने का दिल किया, इसीलिए मैंने बनाया। तो पोर्सलिन है और जो इसकी मिट्टी के तो आपको मालूम ही होगा, ये इसको तो सैंडी सोयल ज़्यादा पसंद है और वो जो एकदम वेल ड्रेन्ड सोयल हो। और इसको सबको पता ही है, आप लोग तो इसको लगाते रहते हो, जिस जो नया है उनके लिए है मैं बोल रही हूँ। इसको ना एकदम फुल सन चाहिए, एकदम ब्राइट लाइट और एकदम इसको धूप चाहिए पूरा, तो इससे वो ज़्यादा खिलेगा। इसको कोई कोई सन रोज भी बोलते हैं, मॉस रोज भी बोलते हैं और 9 to 5 फ्लावर्स भी बोलते हैं, जो जब धूप निकलता है तब ये खिलता है और जब धूप नहीं निकलता है वो उतना नहीं खिलता है, फूल ज़्यादा वो नहीं होता है इसका। तो इस तरह से मैं ना इधर देखिए तो ये तुलसी का भी आ गया, मेरे पास ना बहुत सारे तुलसी हो गए हैं, तुलसी के पौधा तो इधर भी लग गए। और घास वास क्या क्या होता है ना, मैं करती रहती हूँ, उसको निकालती रहती हूँ, वीडिंग करती रहती हूँ। तो देखिए ये येलो, ये येलो भी बहुत कुछ खास है ना। तो इधर भी था और इधर उधर झुलाए हुए हैं और सभी जगह पे ये पटुला का ना बहुत ज़्यादा फूल दे रहे हैं।
इसके लिए जो फर्टिलाइजर होता है ना, हम लोग तो ज़्यादातर चाय पत्ती का ही देते हैं, चाय पत्ती का खाद जो हम लोग टी में यूज़ करते हैं चाय में, तो उसका जो चाय पत्ती होता है उसको धो कर सुखा कर हम लगाते हैं। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट चाय पत्ती भी चम्मच में दो दो चम्मच करके डाल सकते हैं उसके गमले में ना, तो बहुत ही अच्छा होता है। हमने भी लगाए थे, तो हमने भी लगा कर ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो शायद उसी का रिजल्ट होगा कि ये बहुत ही अच्छी तरह से खिला है। और ये जो ऊपर छत का टंकी जहाँ होता है ना, वहाँ पे है जहाँ बहुत धूप, एकदम कड़ी धूप आता है, तो उसी में शायद ये धूप की वजह से भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। और घास देखिए मैं निकाल रही हूँ, घास भी उग गए क्योंकि इधर मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ ना, तो इस तरह से ये हो गए हैं। तो लेकिन फिर भी कितना अच्छा फूल दे रहा है, तो बहुत अच्छा लगा आज मुझे इधर आके। और उसी सैंडी सोयल पसंद है आपको, तो पता है ना इसको, सैंडी सोयल और वेल ड्रेन सोयल और कड़ी धूप ये चाहिए उसको, उतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसको। और देखिए मेरा टुकी तो आता ही है मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ ही होता है गार्डनिंग में और रूम में, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं आता है, मेरे पीछे पीछे चलता है ये। फिर आज के लिए इतना ही, अभी मैं बाय बोलना चाहूँगी। तो फिर दूसरा ही टॉपिक में दूसरा ही दिन फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। बाय, फिर दूसरा ही दिन मिलेंगे।